Moving on now to the deteriorating law and order situation in Bihar. The Nitish Kumar government, in fact, has finally recommended a CBI probe into journalist Rajdev Ranjan's murder case. This after coming under severe criticism. The chief minister asserted that the culprits would not be spared irrespective of their political affiliation or stature. The BJP, in fact, has welcomed the move, but the parties also said that the state government's decision to go ahead and recommend the CBI probe was taken under public as well as opposition pressure. Taking a dig at the chief minister, BJP leader Sushil Modi has claimed that by recommending the CBI probe, Nitish Kumar has accepted incapability of the Bihar police to carry out an impartial probe in the case in which former RJD MP Shahabuddin's role is under the scanner. Meanwhile, the state DGP PK Thakur has claimed that the main shooter involved in the murder has been identified and the police is on the lookout for him. धमकियां जरूर आती थी लेकिन किससे आती थी इसे पता नहीं जो भी थे ये कुछ राजनीतिक लोग ही थे आपको बिल्कुल शक के दायरे में तो इस समय हमारे लिए सभी लोग हैं शाहबुद्दीन भी है बिल्कुल है बिल्कुल शक के दायरे में इस समय मेरे लिए वो सारे लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं जी हम सीबीआई जांच चाहते हैं इस क्योंकि हमको सिवान और बिहार पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है जिस प्रकार से वहां पर उनका बादशाहियत चलता है अगर वहां वो रहेंगे तो इस तरह की प्रक्रियाएं होती रहेगी इसीलिए हमने भी महामहिम से कहा कि बिहार गवर्नमेंट से भी आप कहें या भारत सरकार से कहें कि उनका स्थान सिवान के अलावे कहीं दूसरे जगह हो तो शायद इन घटनाओं में कोई कमी भी हो सकती है पूरी हत्या में शहाबुद्दीन से जुड़े लोगों का हाथ है क्योंकि जो हथियार इस्तेमाल हुआ है वो उसी बोर का उसी क्षमता का रिवॉल्वर है जिसका इस्तेमाल इसके पहले के दो मामलों में हुआ है और जो सारे परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं वो सारे साक्ष्य यही कह रहे हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन से जुड़े लोगों का हाथ है इसलिए एक तो शहाबुद्दीन को सिवान की जेल से ट्रांसफर किया जाए अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है 1% भी अगर इसमें हकीकत है कि वो जेल में रहकर इतनी बड़ी हत्या की साजिश अगर रच सकते हैं तो फिर वो केस को किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं इस बात का भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है तो डेफिनेटली अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को लगता है कि इसमें कोई भी सच्चाई है तो उनकी शिफ्टिंग पे भी पहल की जानी चाहिए